वो ऐसी कानून साजी करेगा कि किसी अफसरी को खुद सरी नहीं करने देगा पाकिस्तान को मौजूदा बहरान और इस कौम को हिजान से निकालने का किसी के पास गयान है तो वो सिर्फ इमरान खान है जिसका मंशूर कुरान, जिसका रहनुमा साहिब कुरान, पाक धरती का पासबान जो इकबाल का शाहीन, कायद का जानशीन और सही तर्जुमान है वो इमरान खान है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ सलाम उस हस्ती पर जो रहमतुल्ल आलमीन और खातमनबी जी सल्लाम है असलाम आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान एम एम आलम नाजरीन गो के ये मुल्क इस्लाम के नाम और अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम के दिए गए कानून के एहतराम के लिए बनाया गया था मगर इसका नाम तो इस्लामी रह गया अलबत् निजाम निज़ाम ही रहा इस जमहूरी और अफसरी निज़ाम में अवाम गुलाम और मुल्क कोहराम के बहरान से निकल ही नहीं पाया चलो मान लिया जमहूरियत ही से इस मुल्क में बेहतरी आएगी और लाई जाएगी और अवामी राय ही मानी जाएगी तो सारा मुल्क जिसके साथ खड़ा है जिस पर एतमाद कर रहा है जिस पर एतबार कर रहा है जिससे दिलोजान से मुहबत कर रहा है जिसकी एक आवाज पर बाहर निकल रहा है आवाम की इस राय का एहतराम करें और मुल्क को दलदल से निकालने के लिए इलेक्शन का ऐलान करें मगर नहीं क्यों इसलिए कि के अब के जब वो आएगा तो इदारों और ताकतवरों के मामला अपनी हदूद में रखेगा और इनके इख्तियार महदूद कर देगा किसी उहदे वाले को उमूद की इजाजत भी नहीं देगा वो कानून बना डालेगा कि किसी मातहत इदारे के सरबराह या इसके को इजाजत नहीं होगी वो सियासी वाबस्तगियां तब्दील करवाए और सियासतदानों की रिकॉर्डिंग करवाए मा मावराय अदालत किसी को उठाए या किसी के कपड़े उतरवाए वो घोड़े बिकने और गधे खरीदने के अमल पर भी बैन लगाएगा पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई जोर जबरदस्ती करने ना ही आधी रात को अदालतें लगाकर शब खून मारने की मर्जी करने देगा लुटेरों को भागने देगा ना चोरों को छुड़ाने देगा वो ऐसी कानून साजी करेगा कि अफसरी को खुद सरी नहीं करने देगा इंसाफ मिलेगा तो सबको किसी मुंसिफ को कॉल के जरिए धमकाया जाएगा ना फैसला अपनी मर्जी से लिखवाया जाएगा रोटी मिलेगी तो सबको मिलेगी तालीम मिलेगी तो वड़ेरों को अपने मिजारों और हारियों पर सालारियां और खून खारियां नहीं करने देगा, बस यही वो खौफ तारी और रोह भारी पड़ रहा है जिसको खत्म करने के लिए हर किस्म का हरबा आजमाया और जान पर हमला भी करवाया गया मगर मारने वाले से बचाने वाला इज्जत देने वाला दिलों में मुहबत डालने वाला वो रब है जिसके आगे सब बेबस हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान को मौजूदा बहरान और इस कौम को हिजान से निकालने मुल्क को बचाने का किसी के पास गयान है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है खौफ के बुध तोड़कर बुख्जो इनाद छोड़कर इमरान खान जैसे इंसान की कदर करें ये लोग खास माओ की कोख से जन्म लेते खास आगोशों में पलते खास बाहों में झूलते खास हाथों में परवरिश पाते खास कंधों पर खेलते खास नजरों में रहते खास होंटों से लोरियां सुनते खास दुआओं से परवान चढ़ते खास लुकमों से नमू पाते खास वक्तों के लिए तरबियत दिए जाते और खास आदर्शों की तकमील के लिए उभारे जाते हैं और जो कुदरत के एहसान सच्चे सुचे इंसान की कदर करे उनके फिर वारे न्यारे जाते हैं जिसका मंशूर कुरान, जिसका रहनुमा साहिब कुरान, पाक धरती का पासबान जो इकबाल का शाहीन और कायद का हकी जानशीन और तर्जुमान है और पाकिस्तानियों तुम पर अल्लाह का जो एहसान है वो इमरान खान है अपने मेजबान एम एम आलम को इजाजत दीजिए अल्लाह नगेबान